शुक्रवार से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। कानपुर के सरसैया घाट पर पितृपक्ष की शुरुआत पर काफी लोगों की भीड़ नजर आई। यहां पर आए लोगों ने विधि विधान से पितरों का तर्पण करके साथ श्राद्ध किया। इस दौरान सरसैया घाट के हर ब्लॉक में पुरोहितों की मौजूदगी मिली। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। सरसैया घाट पर पूजन के साथ श्राद्ध कर्म कराते पुरोहितों ने इसकी महत्वता के बारे में भी बताया। आज पूर्णिमा के दिन है, जो 15 दिन जलदान करते हैं। आने वाले समय प्रतिस्पर्धा द्वितीया तृतीया के साथ अमावस्या तक जलदान करते हैं। जिनकी तिथि अगर आदमी को याद रहती है वो तिथि के अनुसार जलदान और पिंडदान वगैरह करते हैं, और जिनको तिथि नहीं याद रहती है वो लास्ट अमावस्या के दिन ही अपना पिंडदान और जलदान वगैरह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करते हैं। जो लोग ये कार्य करते हैं कहते हैं कि 15 दिन धरती पर पितरों का वास होता है और पितरों के आशीर्वाद से सारा संसार चल रहा है, क्योंकि सर्वतीर्थमयी माता और सर्वदेव मयो पिता, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई भी व्यक्ति को मान्य नहीं दिया गया। तो भगवान भी इन 15 दिन के लिए अपना स्थान छोड़ देते हैं और माता पिता और अपने पितरों की पूजन के लिए ये 15 दिन दिया जाता है। तो 15 दिन जो भी व्यक्ति दान करता है तो डायरेक्ट ही समझ लीजिए पितरों को समर्पण होता है, पितरों को आशीर्वाद उनको मिलता है, ब्राह्मण उनको ग्रहण करता है तो उनका आशीर्वाद मिलता है। जो दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करते हैं ब्राह्मण को, उनका आशीर्वाद सफल मिलता है। माँ गंगा के दरबार में लोग आ रहे हैं, जलदान कर रहे हैं और अपने कर्म को बदल रहे हैं। ये भाग्य रेखा है भैया, जैसा जो करेगा वैसा।